हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो विक्टोरियन एज के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे और ये मोस्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे इनका जन्म हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में इनके फादर का नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके फादर का नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था इनकी मदर का नाम था एना ब्राउनिंग इनकी वाइफ का नाम था एलिजाब बैरथ ब्राउनिंग इनकी वाइफ भी एक बहुत पॉपुलर विक्टोरियन एरा की राइटर थी और ये इनसे उम्र में छः साल बड़ी थी जब रॉबर्ट ब्राउनिंग थर्टी फोर ईयर्स के थे तब इनकी शादी एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग से हुई थी और इनकी इनकी शादी एटीन फोर्टी सिक्स में हुई थी इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था पेन ये उसका एक निक नेम है पेन इनके बेटे का असली नाम था रॉबर्ट वाइटमैन बैरट ब्राउनिंग और पेन उसको शॉर्ट में बुलाते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर बैंक ऑफ इंग्लैंड में कलर्क थे और रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, लैटिन इन सभी लैंग्वेजेस को जानते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे और उसमें स्पेशली पी बी शैली को ये बहुत ज्यादा एडमायर किया करते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क था जो इन्होंने लिखा था 1836 से 1840 के बीच में और ये पब्लिश हुआ था 1840 में ही ये इनका एक बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं था इस क्रिएशन ने ये एक नरेटिव पोएम है इस क्रिएशन से इनका जो पोइटिक करियर था वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ था इनके इस क्रिएशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था रुडोल्फ बैसियर नाम के एक राइटर थे जिन्होंने क्रिएशन लिखा था जिसका नाम था द बार्ट ऑफ विम्पोल स्ट्रीट जो बैरेट मिस्टर एंड मिसेस ब्राउनिंग की लाइफ के ऊपर बेस्ड था रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्क है चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर के जो इन्होंने 1852 में लिखा था और पब्लिश हुआ था 1855 में मैन एंड वुमेन नाम के पोइटिक कलेक्शन में ये इंस्पायर था विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने टोटल सेवन प्लेज लिखे हैं वन फोटी थ्री पॉइंस लिखी हैं इनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग ने एक क्रिएशन लिखा था जिसका नाम था सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुश ये इन्होंने अपने हस्बैंड मिस्टर ब्राउनिंग को डेडिकेट किया था अब जब एलिजाबेथ ने इनको डेडिकेट किया था तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी अपना क्रिएशन मैन एंड वुमेन अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरथ ब्राउनिंग को डेडिकेट किया था एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो बेटा था जिसका नाम पेन था उसने भी एक क्रिएशन लिखा था जिसका नाम था होम वॉज डिटेक्टेड इन अ वर्ल्ड फ्रॉड अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के फेमस वर्क्स के बारे में इनका सबसे पहला क्रिएशन पोलाइन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन था जो इनका फर्स्ट क्रिएशन था 1833 में पब्लिश हुआ था रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में एक बात और है जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने एक बुक लिखी थी लेकिन इनकी उस बुक को कोई भी पब्लिशर नहीं मिला था जिस वजह से इन्होंने अपनी उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया था कुछ और वर्क्स है रॉबर्ट ब्राउनिंग के आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनको राइट डाउन कर सकते हैं मैं अभी इनके बारे में आपको डिटेल्स में भी बताऊंगी। अब इनके वर्क्स को हम डिटेल में देख लेते एक बार माई लास्ट डचेस इनका एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो अपीयर हुआ था ड्रामेटिक लिरिक्स नाम के एक पोएटिक कलेक्शन में 1842 में ये 28 एट कपलेट्स में लिखा हुआ है आइएम्बिक पेंटामीटर में है ये बेस है अल्फोंजो सेकंड की लाइफ पर जो ड्यू को फरारा था जिसकी क्वीन थी लुक्रीजिया इसमें क्या होता है अल्फोंजो सेकंड लुक्रीजिया को मरवा देता है मैंने अपने चैनल पर इस पोएम की डिटेल लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन डाली है आप उसको देख सकते हैं ही वॉज द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फ़रारा जो अल्फों सेकेंड था ये फरारा का फिफ्थ ड्यूक था और इस पॉम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी टी द लास्ट राइड टूगेदर ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोएम है इसमें वन हंड्रेड टेन लाइन्स है और टेन इच टैंड है यह एक पोइटिक कलेक्शन मैन एंड वुमेन में पब्लिश हुई थी द रिंग एंड द बुक ये एक लॉन्ग ड्रामेटिक नरेटिव पोएम है इक्कीस हजार लाइन्स हैं इसमें इट वॉज पब्लिश इन फोर वॉल्यूम्स। ये फोर वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी 1868 से लेकर के 1869 तक और इसके पब्लिशर थे स्मिथ एल्डर एंड कंपनी इस बुक में कुछ मेन कैरेक्टर्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनका मैंने रिलेशन भी सामने ही लिखा है आप इनको देख के राइट डाउन कर सकते हैं ये जो इसमें जो स्टोरी इस है ये इसके मेन कैरेक्टर्स है फ्रालिपोलिपी जो 1855 में पब्लिश हुई थी ये बेस है एक रियल पेंटर की लाइफ पर जो बोर्न हुआ था 1406 में और जिसकी डेथ हुई थी 1469 में, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है 376 इसमें टोटल लाइंस है ये मैन एंड वुमेन नाम के पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था लिपोलिपी जो कि एक पेंटर था उसकी लाइफ के ऊपर ये बेस है लिपोलिपी को मजबूरन एक मंक बनना पड़ा था और वो जिस मॉन्स्ट्री में रहता था उस मॉन्स्ट्री का नाम था कारमाइन मॉन्स्ट्री इस पोएम की समरी भी चैनल पे अवेलेबल है आप उसको भी देख सकते हैं रब्बी बैन एजरा ये 1864 में पब्लिश हुआ था ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है दिस पोएम इज अबाउट अब्राहम इबेन ऐजरा ये पोएम किसके ऊपर बेस है अब्राहम इबेन ऐजरा जो 192 में बॉर्न हुए थे 1167 में जिनकी डेथ हुई थी ये एक ग्रेट फिलोसोफर थे और इस पोम में टोटल 192 नाइन्टी लाइन्स है फिर हम बात करते हैं इनके सबसे पहले क्रिएशन पोलाइन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन की ये इनका सबसे पहला वर्क है 1833 में पब्लिश हुआ था लिखा था उन्होंने 1832 में इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने खुद को प्रिस्ट एंड प्रॉफिट की तरह डिस्क्राइब किया है कन्फ्यूजन ऑफ एन अननेम्ड पोएट टू हिज लवर द इपोनिमोन्स वुमेन ये जो लाइन है इस पोएम के बारे में बताती है इस पोएम में हमें एक अननेम्ड पोएट मिलता है जिसके जो हमें एज अ लवर दिखाया जाता है एक वीमेन का एक अपोनिमोन्स वीमेन का एंड्रिया डेल सार्टो ये भी इनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पब्लिश हुआ था 1855 में मैन एंड वुमेन नाम के पोइटिक कलेक्शन में ब्लैंक वर्स है आइएबिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है इस पोंग की जो स्टोरी है वो इंस्पायर है एंड्रिया डी एग्नोलो से जिसका नाम इस पोएम में एंड्रिया डल्स आटो है इस पोम में एंड्रिया डल्स आटो एक पेंटर है जिसको द फॉल्टलेस पेंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पेंटिंग में किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं मिलता पीपा पासिस एक वर्स ड्रामा है 1841 में पब्लिश हुआ था बेल्स एंड पोमोग्रेंट पोइट्री कलेक्शन में ये डेडिकेट है थॉमस नून टेल्फ्रॉड को दिस इज इन फोर पार्ट्स ये जो पीपा पासिस है ये फोर पार्ट्स में अवेलेबल है यानी कि एक ही क्रिएशन है जिसमें आपको फोर पार्ट्स मिलेंगे कौन कौन से मॉर्निंग न्यून इवनिंग एंड नाइट मैन एंड वुमेन जो पब्लिश हुआ था 1855 में ये एक पोएटिक कलेक्शन है जिसमें 51 वन पोएम्स हैं इन टू वॉल्यूम्स एंड ऑल पोएम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग इस पोइटिक कलेक्शन में जितने भी पोम्स हैं वो सब की सब ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं हम सब ये बात जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखना काफ़ी पसंद करते थे जो लास्ट पोएम है फिफ्टी वन नंबर पे जो पोएम है वो खुद उसके नरेटर खुद ब्राउनिंग है और उस पॉम का नाम है वन वर्ड मोर जो इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की है पॉफ्रिया लवर यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था 1836 में एक मैगजीन में जिसका नाम था मंथली रेपोसिटोरी और इस समय इसका टाइटल सिर्फ पोरफ्रिया था लेकिन 1842 में ये में रिपब्लिश हुआ एक बुक में जिसका नाम था ड्रामेटिक लिरिक्स इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी बी एम्बिक टटामीटर का इसमें यूज हुआ है 1863 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसका टाइटल चेंज कर दिया था 1836 में इसका टाइटल सिर्फ पॉर्फ्रिया था लेकिन 1863 में इसका टाइटल पॉर्फ्रियाज लवर था इस पॉम में हमें एक मैड लवर की स्टोरी देखने को मिलती है तो ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी लेकिन जाने से पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में दो अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहला एक अमेजिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनके फादर की एक लाइब्रेरी थी इनके घर पे जिसमें छः हज़ार बुक्स थी और कुछ बहुत ज़्यादा रेयर बुक्स थी वो बुक्स जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उन्हें अपने फादर की इन बुक्स के साथ बहुत सारा मटेरियल मिला था बहुत सारे सोर्सेज मिले थे अपने क्रिएशंस को लिखने में यही वजह थी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इतने पॉपुलर एक राइटर बने और दूसरी अमेजिंग बात रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में ये है कि इनकी डेथ के बाद इनका एक ऑडियो रिलीज किया गया था जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की ओरिजिनल वॉइस है और उस ऑडियो में ये अपनी पॉम को रिसाइट कर रहे हैं सो so, ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छी लगी होगी वीडियो डोंट फरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल